हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप एक सीफर हैं तो कहो कि आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आप जहाज पर रहते हैं तो घर के साथ या फिर फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। तो जैसे कि हमारे शिप पे, मतलब मोस्टली शिप पे वाईफाई रहता है तो हम लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, बट जब जहाज पोर्ट पे आता है तब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा घर पे थोड़ा सा अच्छे से वीडियो कॉल कर पाए, अच्छे से बात कर पाए। बट उस टाइम पे किसी किसी पोर्ट पे सिम कार्ड अवेलेबल रहते हैं, मतलब हम लोग वहाँ से उनका लोकल सिम कार्ड खरीद पाते हैं, बट किसी किसी पोर्ट पे सिम कार्ड अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक सिम है जिसको बोलते हैं सिम फॉर क्रू। उस सिम कार्ड के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कंट्री, किसी भी पोर्ट से आप आपके घर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल या फिर आप फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो सिम कार्ड है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको को कैसे मिलेगा, उसका क्या क्या प्रोसीजर है बताऊंगा। तो जैसे कि मैं मंगाया था ये सिम कार्ड का जो पैकेज है, मुझे ऐसे पैकेज में मिला था। ठीक है, मैं अपने फर्स्ट मतलब सीओसी के बाद जब फर्स्ट शिप पे गया था तो वहाँ पे उस टाइम पे बहुत इसको यूज किया था और मुझे बहुत ही हेल्प भी किया ये सिम कार्ड। ठीक है, बिकॉज किसी किसी पोर्ट पे, जैसे कि मैं बोला कि मतलब किसी किसी पोर्ट पे मुझे सिम कार्ड मिलता नहीं था, बट मैं इस सिम की मदद से मैं घर पे इजीली बात करता था, मतलब और इंटरनेट भी यूज करता था अपने मतलब मर्जी के हिसाब से। तो देखिए, आप जैसे ही आप इस पैकेज को खोलेंगे तो इसके अंदर मिलेगा जो इसका जो इसमें क्या क्या सामान है वो है। देखिए, ये बॉक्स से लिखा हुआ, देखिए सिम फॉर क्रू उल्टा आ रहा है बिकॉज मेरे फ्रंट कैमरे से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिम फॉर क्रू लिखा हुआ है, क्लासिक, इसका दो वर्जन है। ठीक है, तो मैंने क्लासिक लिया हुआ है और एक आपका डेटा हंगरी वाला भी एक मोड है, मतलब जिसपे बस डेटा कार्ड के लिए। तो जैसे इसको जैसे ओपन करेंगे, देखिए इसके अंदर देखिए आपको एक बुक मिलेगा और एक पाउच मिलेगा, ये वाला एक कूपन टैप का, इसको छोड़ते हैं, साइड में रखते हैं। फिर मेन जो चीज़ है ये सिम कार्ड, देखिए ये इसका सिम कार्ड है, देखिए ये सिम कार्ड है। ठीक है, तो ये सिम कार्ड को फिर आप नॉर्मल यूज कर पाएंगे, और इसको कैसे एक्टिवेट करना होता है आपका इस बुक पे लिखा हुआ है, आप इसको इजीली पढ़ पाइएगा। ठीक है, इस बुक का अगर आप पढ़ लेंगे तो इजीली इस पे लिखा हुआ है कि इसका प्रोसेस क्या है इसको एक्टिव करने का सिम कार्ड को। तो आप खरीद लेंगे, आप इसको खरीदेंगे कैसे, ये खरीदने के लिए आपके पास आपका वैलिड सीवीसी होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट और यूएस वीजा होना चाहिए, तभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यूएस वीजा होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिम कार्ड के लिए। पता नहीं 4-5 दिन लगता है ये आने के लिए आपके एड्रेस पे, तो मैं अभी दिखाऊंगा। और इसका जो प्राइस क्या होता है, जो इसका जो प्लान, मतलब जैसे कि हमारे एयरटेल वोडाफोन में एक प्लान होता है कि मतलब 399 रुपीज में एक महीने के लिए अनलिमिटेड, तो इनका भी एक प्लान है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपको पूरा रीजन वाइज या फिर कंट्री वाइज आपको क्या चाहिए उसका पूरा प्लान है, मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में इसका क्या क्या प्लान होता है। सो गाइस, अगर आपको सिम कार्ड चाहिए तो आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे देखिए toindia@simforcrew.com। आप इस ईमेल आईडी पे आपका देखिए जो ये जो फॉर्मेट पे मैं जो भेजा था, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, डियर सर गुड डे, आई एम एन इंडियन सीफर, आई नीड ए क्लासिक सिम। फिर आपका जो यहाँ पे नेम, सर नेम, हाउस नेम ऑफ द सोसाइटी और अपार्टमेंट, विलेज, पोस्ट, ये सब लिख के एग्जैक्टली ये सब लिख के फिर देखिए ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है, पासपोर्ट, यूएस वीज़ा और CDC। ठीक है, ये सब आप उसको भेज देंगे इस मेल पे। उसके बाद देखिए जैसे कि उनका रिप्लाई आया था, वेल रिसीव्ड योर बिलो डॉक्यूमेंट्स, वी विल फॉरवर्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड वेट फॉर अप्रूवल, दिस विल टेक्स 2 वर्किंग डेज। ठीक है, तो इसका फिर मेल आया ऐसे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मेल आया था, देखिए 16 तारीख को मेल आया था, 16 को। फिर 17 को देखिए मेल आया, वी हैव डिस्पैच द पैकेट टू योर एड्रेस। ठीक है, फिर DDDC का जो आईडी है इसका यहाँ पे आ गया। तो इनका जो फुल प्रोसेस देखिए कितना ईजी प्रोसेस है, आपको बस ये डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्मेट पे सब लिख के ये सब भेजना है, फिर एक दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब सिम कार्ड वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन आता है कि इनका फिर रिचार्ज करने का क्या प्रोसेस है, कितने में क्या मिलता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा रिचार्ज का क्या प्रोसेस होता है। देखिए इनका जो व्हाट्सएप आईडी है, देखिए लिखा हुआ है सिम फॉर क्रू, और ये नंबर भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, 9106624061। ठीक है, इस नंबर पे जैसे कि मैं अपना पूरा कन्वर्सेशन दिखा देता हूँ आप लोगों, देखिए मैं यहाँ पे देखिए मैसेज किया था ये पूरा कि ये मेरा नंबर है, मुझे रिचार्ज करना है, मैं अभी जहाज़ पे हूँ, साउथ अमेरिका में सेल कर रहा जहाज। तो फिर इन लोगों ने देखिए एक यहाँ पे इनका जो प्राइस का जो डिटेल्स है भेजा था यहाँ पे, ठीक है, क्लासिक सिम डाटा पैकेज प्राइस। ठीक है, तो मैं अभी इसको खोलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इनका जो प्राइस का जो डिटेल्स देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ उसको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए इनका देखिए 3 टाइप का पैकेज होता है, एक वर्ल्ड पैकेज, यूरोप पैकेज, अमेरिकाज पैकेज, एशिया और अफ्रीका, फिर क्रेजी चीप पैकेज लाइक ए लोकल पैकेज। ठीक है, और ये जो पैकेज है किन किन से कौन कौन से कंट्री में मतलब ये वैलिड है वो भी लिखा हुआ, देखिए नीचे देखिए जैसे कि वर्ल्ड पैकेज में अगर आप इसका 10 GB का जो पैकेज है $129 में, US डॉलर में, अगर आप इसको परचेज करते हो तो देखिए ये सारे कंट्री में चलेगा, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है सारे कंट्री के, देखिए। और तो जो भी आप पैकेज लेंगे देखिए उसके नीचे लिखा हुआ कि ये किस किस कंट्री के लिए वैलिड है,
तो आप इसके आपके मुताबिक आप जिस लोकेशन पे है या फिर आपके जहाज जिस लोकेशन पे जाएगा उसके हिसाब से आप कोई भी पैकेज खरीद सकते हैं। तो पैकेज का जो प्राइस वो मिल गया। अभी बात करूँ कि आप फिर रिचार्ज कैसे करेंगे, तो इनका जो बाकी जो प्रोसेस क्या है कि देखिए फिर मैं क्या क्या था देखिए, जैसे कि ये फिर मुझे बोला था कि फिर मुझे फ़ोन पे करने के लिए बोला था, पेमेंट ऑप्शन ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन के बाद फिर मैं देखिए इनको ये इस वाला मैं पैकेज लिया था $42 का, तो मैं फिर इनको फ़ोन पे कर दिया। फिर एक दिन के अंदर फिर वो लोग मेरे नंबर पर रिचार्ज कर दिया, फिर बाकी पूरा प्रोसेसिंग हो गया उसी के अंदर। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप इसको इजीली परचेस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज़ किसी किसी पोर्ट पे आपको फिर वहाँ के लोकल सिम कार्ड नहीं मिलता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब किसी पोर्ट पे आपका वाईफाई भी नहीं चलता है, ठीक है, इन केस, तो उस टाइम पे आपका ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं, बस आपके पास CDC पासपोर्ट और US वीज़ा होना चाहिए। तो मैं चीज़ बोलने के लिए वीडियो बना था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरे पास वीडियो आता रहता है। तो आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।